किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। पहले भी गवर्नमेंट को मात खानी पड़ी थी और तकरीबन किसानों की सभी डिमांड्स मान ली थी, लेकिन डिमांड मान जरूर ली थी लेकिन उनको पूरा नहीं किया, ऐसा मानना है किसानों का। अब किसान आंदोलन में बहुत सी यूनियन हैं जो अलग अलग हेड रखती हैं, लेकिन सारी यूनियन इनके साथ भी नहीं है। गवर्नमेंट का एकदम से इतना ज़्यादा रिएक्ट करना, सब कुछ ब्लॉकेज कर देना, इंटरनेट बंद कर देना, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ओवर रिएक्ट कर रही है। और इस आंदोलन को डर कह लो गवर्नमेंट का या एंथ्यूजिज़म कह लो ज़्यादा है, जिससे ये आंदोलन एकदम से कामयाब होता नज़र आ रहा है। शायद इसमें इतना जोश नहीं था जितना कि सरकार ने इसको हाइप करके बना दिया है। ख़ास करके जो जिसको नहीं पता था उसको भी पता लग गया है, हर सड़क बंद, आना जाना बंद, जो तरीके अपना रही है सरकार उससे हर आदमी को तकलीफ़ हो रही है और हर आदमी दुखी है। लेकिन बात तो ये है कि आंदोलन होते रहते हैं, आंदोलन पहले भी कामयाब हुआ, अब फिर हुआ, लेकिन इन आंदोलनों का असर क्या होता है, सरकार के ऊपर कोई असर होता है या नहीं? क्योंकि हमारे किसान हैं वो छोटे से प्रलोभन पे ही मान जाते हैं, और जिस पार्टी के खिलाफ या जिस सरकार के खिलाफ है, सबसे बड़ा उनको रोकने का एक ही तरीका होता है, वोट। और वो छोटे छोटे प्रलोभनों की वजह से किसान है चाहे दूसरे कोई है, वो उनको वोट फिर दे देते हैं। अगर उनमें दम है और अगर वो वाकई चाहते हैं कि ऐसा हो और उनकी डिमांड मानी जाए, तो ये प्रलोभन जो है उनको त्यागना पड़ेगा हर हालत में, नहीं तो ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे, लोग परेशान होते रहेंगे, सरकारें झूठे आश्वासन देती रहेगी और कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट इसका जीरो होगा। तो इसलिए चाहिए कि सरकार इतना हाइप ना करे, इतना जोश न दिखाए जिससे ये आंदोलन उग्र हो जाए, और किसानों को भी चाहिए शांतिपूर्ण अपना आंदोलन करें, इकट्ठा रहें, लेकिन वोट की चोट करेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, और ये हम हर आदमी काफ़ी जगह देख चुका है। किसान भरावो, कल 12 तरीक नूं केंद्र सरकार दी दोबारा मीटिंग का बुलावा आया है, जो 13 तरीक दिल्ली कूच का ऐलान कर रखे उसके बाबत 12 तरीक नूं बुलावा आया है। एक तरफ तो केंद्र की सरकार किसानों के नाल गलबात कर रही है, दूजी तरफ हरियाणे के एक माहौल सिरजा जा रहा है, पूरे वड्डे वड्डिया दीवारां करके बैरीकेड लगा के सड़कां खोद के इंटरनेट सेवावां ठप कर दित्तियां गईआं हैं, बहुत सारे हालात तनावपूर्ण किए गए हैं। जिहड़े साढ़े तीन रास्ते ने जिन्हां दे विचों पंजाब दे साथियों ने आना है, पहला डब वाली, दूसरा खनौरी बॉर्डर, तीसरा शंभू बॉर्डर, असी सारे ने पहलों 13 तरीक नूं
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਕਰਾਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਵ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਡਰਾ ਲਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, 26 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੂਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 12 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ MSP 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ C2+50 ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 200 ਦਿਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਰਸਾਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਡਰਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਊਗਾ।